नमस्कार, यस टीवी में आपका स्वागत है और अब वक्त है यमुनानगर की कुछ कम्युनिटी अपडेट्स का। कुवैत से आए व्यक्ति समेत बुधवार को 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। दूसरा संक्रमित 86 वर्षीय पुरुष शिवाजी मार्केट मॉडल कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं रेलवे कॉलोनी निवासी 43 वर्षीय पुरुष वे मनोहर कॉलोनी निवासी 25 साल का युवक भी संक्रमित पाया है। प्रशासन ने तीनों कॉलोनियों की गली को सील कर कंटेनमेंट जोन और आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया है। पॉजिटिव पाए गए लोगों को कोविड-19 ESI अस्पताल में भर्ती किया गया है। SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि 6 जुलाई को यह व्यक्ति कुवैत से वापस भारत लौटा था, जिसे वापस लौटते ही एक शिक्षण संस्थान में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। अलग अलग दो स्थानों पर अज्ञात लोगों ने दो महिलाओं से फोन पर डिटेल लेकर उनके अकाउंट से रुपए निकाल लिए। महावीर कॉलोनी निवासी भावना के अकाउंट से जहां 5,800 रुपए निकाले गए, वहीं विकास नगर निवासी ललिता के खाते से 49,000 रुपए की राशि आरोपी ने निकाली। दोनों महिलाओं ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इब्राहिमपुरा गांव के पास टोन क्रैशर कार्यालय से 3 नकाबपोश बदमाश तमंचे के बल पर मुंशी से 1,80,000 रुपए और मोबाइल लूट ले गयी। पुलिस अधीक्षक DSP हेडक्वार्टर सीन ऑफ क्राइम की टीम के साथ मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। क्रैशर मालिक की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ लूट और जान से मारने की कोशिश करने के साथ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिलासपुर रामपुर बस स्टैंड पर सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में चोरों ने फिर से सेंध लगा दी। चोरों ने बैंक से लॉकर उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन भारी होने की वजह से वह कामयाब नहीं हो सके। जब वह लॉकर को खींच रहे थे, तभी सायरन भी बज गया, जिससे चोर भाग निकले। हालांकि सायरन बजने के बाद बैंक से कोई नहीं पहुंचा। सुबह इस वारदात का पता लगा, इसके बाद पुलिस व सीन ऑफ क्राइम की टीम पहुंची और सबूत जुटाए। लॉकर में करीब 8,00,000 रुपए थे। ये थी यमुनानगर की कुछ कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसी ही कम्युनिटी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे यस टीवी। नमस्कार।